डिस्कस किया और सेंस ऑर्गन्स को जो है वो डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अच्छा इससे पहले हमने देखा ह्यूमन बॉडी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी हैज मैनी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के जो है वो कई पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स का जो है अपना अपना फंक्शन है। और पार्ट्स जो है कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि हमारे कहाँ हैं आउटसाइड द बॉडी है और कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो इनसाइड द बॉडी मौजूद हैं और इन पार्ट्स को जो है हम ऑर्गन्स भी कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन्स। अब हमने कहा जो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी या ऑर्गन्स हैं इनकी हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे आपने ये पार्ट्स ऑफ बॉडी देखा था, ये कौन से पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं और ये पार्ट्स हमारी बॉडी में बहुत अहम फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑर्गन्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद जो है ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं और एक ख़ास फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं और क्या बनाते हैं, सिस्टम। ठीक है, दीज ऑर्गन्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, और ये जो फंक्शन आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं एक साथ मिलकर कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करें तो क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद हैं जिसमें कई ऑर्गन मिलकर जो है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और क्या बन जाता है, बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सिस्टम जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं सिस्टम है क्या। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड अ सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स के जो ग्रुप हैं वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मिलकर जो है वो एक काम कर रहे होते हैं और क्या बन जाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉडी का सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, और उनका अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है। चलिए हम देख लेते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स यहाँ मौजूद हैं और सबका अपना अपना खास फंक्शन है। देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में। सम इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर एज फॉलोज। नंबर वन, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो है वो क्या है और डिफरेंट ऑर्गन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कौन सा सिस्टम बनाता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, और सबसे मेन सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर। और ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन कंट्रोलिंग जो है वो पावर है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तमाम जो एक्टिविटीज़ जो हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये ब्रेन। ठीक है, तो आपका ब्रेन और इसके साथ दूसरे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो वर्क करते हैं और सिस्टम बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है वो बॉडी में हमारी बोन्स मौजूद हैं। ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और ये बोन्स जो है वो क्या बनाती हैं, हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं, ढांचा बनाती हैं। और सिस्टम क्या कहलाता है, स्केलेटल सिस्टम्स। ठीक है, और इस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को शेप और जो सपोर्ट मिलती है वो कौन से सिस्टम के ज़रिए, स्केलेटल सिस्टम्स के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मस्कुलर सिस्टम। मसल्स जो हैं वो मिलकर जो हैं वो क्या बनाती हैं, सिस्टम बनाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम। डिफरेंट मसल्स मौजूद हैं हमारी बॉडी के अंदर और ये मसल्स जो हैं इनका मेन, सारे मसल्स जो सिस्टम बना रही हैं मस्कुलर सिस्टम, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होती हैं मसल्स। ठीक है, बोन्स जो है वो मूव नहीं कर सकती, बोन्स के साथ मसल्स मौजूद हैं जो कि क्या करवाती हैं, बॉडी के अंदर मूवमेंट को परफॉर्म
करवाती हैं और सिस्टम बना रही है जिसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, निजाम इन्हिजाम, ठीक है। हमारी बॉडी में हम फूड ले रहे हैं, वो फूड हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट होता है, हजम होता है। हजम होने के बाद क्या होना है, उसे हमारा जो डाइजेस्टिव फूड है उसको ब्लड में शामिल होना है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा होता है जिस सिस्टम के जरिए है उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे इसमें हमने आपको पहले एक और में बताया था, स्टमक है इसमें, ठीक है। लिवर भी जो है वो इसी सिस्टम का एक पार्ट है। और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आप बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व इन द रेस्पायरेशन, ठीक है। हम तमाम ह्यूमन बॉडी को, तमाम बल्कि लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है, हम एयर की ज़रूरत है, ठीक है। एयर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिस सिस्टम के ज़रिए, वो क्या कहलाता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम। क्या करते हैं इसमें, हम ऑक्सीजन को, एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो, इस प्रोसेस में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, रेस्पायरेटरी सिस्टम। मेन ऑर्गन इसका क्या है, लंग्स, ठीक। जो लंग्स हैं हमारे, ये फेफड़े, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, वो डिफरेंट पार्ट के ज़रिए, डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स के ज़रिए कहाँ आती है, लंग्स में, ठीक है। और लंग्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट्स के ज़रिए बॉडी में से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो लंग मेन ऑर्गन है, इसके साथ और भी जो पार्ट्स हैं वो वर्क करते हैं और सिस्टम क्या बन जाता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से पता चल रहा होगा, ब्लड, ब्लड का बॉडी में सर्कुलेट करना, घूमना। तो जिस सिस्टम के जरिए बॉडी में, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड घूमता है वो क्या कहलाता है, वो सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मेन ऑर्गन इसके अंदर क्या है, हमारा हार्ट, ठीक है, दिल। ये क्या है, मेन ऑर्गन ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यही जो है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है पूरी बॉडी में। इसके साथ और भी हमारे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं जो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है जिस सिस्टम के जरिए, वो कौन सा सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए हमारी बॉडी में से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, वो चीज़ें जो हमारी बॉडी में बेकार होती हैं, उन तमाम चीज़ों का बॉडी के अंदर से रिमूव होना ज़रूरी है। तो जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है बॉडी के अंदर से, वो जिस सिस्टम के जरिए होता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो समझ में आ गए होंगे जी। ये देखा हमने इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमने इनके नाम को अभी डिस्कस किया है, अब कुछ खास फंक्शन जो है वो इनके डिस्कस किए हैं और कुछ खास ऑर्गन्स को डिस्कस किया। अब इनको हम डिटेल में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इनको डिटेल में देखेंगे। तो अब आप बुक में देख लीजिए इस टॉपिक को। नंबर है 41, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुबहानहु तआला। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी यूजफुल ऑर्गन टू मेक बॉडी वर्क एंड अलाइव। दीज ऑर्गन वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड अ सिस्टम। मैनी डिफरेंट सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ईच सिस्टम हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन, बट डिफरेंट सिस्टम आर कनेक्टेड एंड हेल्प ईच अदर टू मेक द बॉडी वर्क यूनिफॉर्मली। डू यू नो वॉट दीज सिस्टम्स आर? सम इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी आर एज फॉलोज। नंबर 1, नर्वस सिस्टम। नंबर 2, स्केलेटल सिस्टम। नंबर 3, मस्कुलर सिस्टम। नंबर 4, डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 5, रेस्पायरेटरी सिस्टम। नंबर 6, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 7, एक्सक्रीटरी सिस्टम।
ठीक है, योर आईज रिकॉग्नाइज कैंडल लाइट फ्रॉम अप टू 14 माइल्स अवे। होमवर्क नोट कर लीजिए, डू एक्टिविटी नंबर टू, बुक वर्क बुक में करनी है एक्टिविटी नंबर टू, और एंड एक्सरसाइज सिक्स का पार्ट थ्री करना है, कॉपी वर्क है ये, कॉपी में करना है, चैप्टर थ्री से है और इसे याद भी करना है। चलिए देख लेते हैं, एक्टिविटी नंबर टू पेज नंबर 42 पर है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप, सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी जितने भी सिस्टम्स हमने पढ़े हैं उनके नाम लिखने हैं। नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा हुआ है, बाकी सिस्टम जो है इन बॉक्सेस में आपको खुद जो है वो लिखने हैं, ठीक, कर लेंगे आसानी से। इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज सिक्स है, इसका कौन सा पार्ट करना है, थ्री, डिफाइन सिस्टम विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, कॉपी में जो है वो राइट करना है ये आपको, डिफाइन क्वेश्चन नंबर थ्री होगा हमारा, डिफाइन सिस्टम विद एग्जाम्पल्स, सिस्टम की हेडिंग डालेंगे, डेफिनेशन है सेंट्रलाइज लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड अ सिस्टम, एग्जाम्पल्स की हेडिंग डाल लें। अब जितनी भी आपने जितने सिस्टम्स पढ़े हैं उसमें से कोई दो तीन जो है वो लिख दें आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईटीसी, ठीक है, तो आप कोई और भी लिख सकते हैं, चाहे तो यही वाले लिख दें। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर और होमवर्क आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।